सब्सक्राइब करें ऑसम हिंदी फैक्ट्स को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट वीडियोस देखने के लिए। अगर आप इतिहास की किताबें पढ़कर चीन को धोखेबाज मानते हैं या फिर चाइनीज माल का हाल देखकर चीन से नफरत करते हैं, चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए लोग हमेशा से उत्सुक रहते हैं, चाहे वो उनकी संस्कृति हो या फिर खान पान। चाइना का माल सस्ता तो मिलता है लेकिन अधिक समय तक नहीं टिक पाता, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन शायद कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि चाइना नकली माल बेचने में भी सबसे आगे है। भारत चीन से कई वस्तुएं लेता है लेकिन कई बार इन वस्तुओं के नकली होने के कारण इन पर भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है। आज हम आपको बताएंगे चाइना के बारे में वो सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म के कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन ऊपर ही रख सके। दुनिया भर में जहाँ अंडों को पानी में उबाला जाता है वहीं चाइना में लड़कों के पेशाब में अंडे उबाले जाते हैं। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती है। बीजिंग की हवा में प्रदूषण इतना है कि यहां सांस लेने से होने वाले नुकसान दिन में 21 सिगरेट पीने के बराबर होते हैं। चाइना में 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं। 2010 में चीन की शंघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। यह जाम 12 दिनों तक रहा। चाइना में हर 30 सेकंड में एक ऐसा बच्चे का जन्म होता है जो जन्मजात दोष से प्रभावित होता है। चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं। 2025 तक न्यूयॉर्क जैसे चाइना में 10 शहर होंगे। चाइना में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती है, आपको नदी में से बॉडी निकालने की भी नौकरी मिल जाएगी। चाइना में वर्ष 2009 से फेसबुक ट्विटर पर बैन है। सेक्स टॉयज पर बेचने में चीन नंबर 1 है। चाइना में कोई बिजनेस शुरू करने में सिर्फ 38 दिन का समय लगता है। अमेरिका की इतनी आबादी नहीं जितने चाइना में सेल फोन है। चीन में ब्रा स्टडी में भी डिग्री मिलती है। चीनी लोग हर सेकंड में 50,000 सिगरेट पी जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चीन में है पर ये 2005 तक 99% खाली था। विश्व के 29% वायु प्रदूषण का कारण सिर्फ चाइना है। चाइना की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर कह दिया जाए एक लाइन बना के चलो तो ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ बच्चे इतने पैदा होते हैं। चाइना से जुड़े कुछ भयानक सच। चाइना में चाइनीज फूड सेलर नकली मटन को असली बताकर बेचते हैं। नकली चीजें बनाने में चीन इतना आगे निकल चुका है कि इसने चावल भी नकली बना लिए। चीन में बने इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है और ये चावल शकरकंद, आलू और सिंथेटिक रेजिन को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं होता और इसे खाने से कई लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये चावल चीन में खुलेआम बेचा जा रहा है। चीन में हर साल 10 मिलियन टन चावल बेचा जाता है जिसमें से लगभग 9 मिलियन टन चावल नकली होता है। चीन में शहद भी नकली बनाकर बेचा जाता है। यह 1 किलो नकली शहद मात्र 100 रुपए में तैयार होता है, फिर बाद में इसे मार्केट में 600 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता है। चीन में जानवरों को खिलाने लायक सड़े और फफूंदे लगे अनाज में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर राइस नूडल्स बनाए जाते हैं। यह राइस नूडल्स खाना खतरनाक हो सकता है। चाइना में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप में होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। चीन में बेचे जाने वाली आधी से अधिक शराब नकली होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना का सामान इतना सस्ता क्यों होता है और टिकाऊ क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए देश के रोमांचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।